वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। सो आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था पिछली वीडियो में ही। पहला था स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, नेक्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक, नेक्स्ट है ग्रेडिंग, नेक्स्ट ग्राफिक स्केल्स, नेक्स्ट चेकलिस्ट मेथड, नेक्स्ट है फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, नेक्स्ट है एसे मेथड एंड नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड्स। ठीक है, मैं आपको इसको सिंपली समझाने की कोशिश करूँगी बिल्कुल ही। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो पहला है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, उसके अंदर क्या है कि ये इट इज़ दी ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ये मतलब ये पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है क्या करने का, रैंकिंग डिसाइड करने का किसी भी पर्सन की। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जो स्टेट रैंकिंग मेथड है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो स्टेट रैंकिंग मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन की कंपैरिजन, हम जो उसके ग्रुप के अंदर जो पर्सन है उनके साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, उनके कंपेयर में हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा इफेक्टिव है और कितना लीस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है, ये हम कैसे देखते हैं, जो भी एक ग्रुप के अंदर जो पर्सन है, ठीक है, उनके साथ उनकी कंपैरिजन करके कि वो पर्सन बेसिकली उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, बेटर है, वर्स है। ठीक है, ये सब चीज़ चेक करते हैं हम इसके अंदर। तो क्या करते हैं ठीक है, बाय विच द मैन एंड हिज परफॉर्मेंस आर कंसाइडर्ड एज एन एंटिटी बाय द रेटर। इसके अंदर जो आदमी और उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, ओवरऑल ईयर के अंदर, ठीक है, तो वो एक एंटिटी की तरह कंसाइडर करता है जो रेटर होता है, ठीक है, जिसको रेटिंग देनी होती है, ठीक है, उसको मान के चलता है वो बेस। ठीक है, उसके बेस पे फिर वो क्या देता है, रेटिंग देता है उस पर्सन को। द होल मैन इज कंपेयर्ड विद द होल मैन, दैट इज द रैंकिंग ऑफ अ मैन इन अ वर्क ग्रुप इज डन अगेंस्ट दैट ऑफ अनदर। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या करते हैं, होल मैन को किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो भी होल मैन मतलब जो ग्रुप के अंदर जो मैन है किसी वर्क ग्रुप के अंदर, ठीक है, उनके साथ इज डन अगेंस्ट दैट ऑफ अनदर, जो दूसरे पर्सन है उनके साथ हम कंपेयर करते हैं कि उस पर्सन के अंदर कितना वो उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना कम इफेक्टिव है। ठीक है, जो ग्रुप के अंदर एक टीम है उसके अंदर जो पर्सन है उससे हम कंपेयर करते हैं कि वो पर्सन कितना उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, बेटर है, वर्स है, उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, उसको रैंक देते हैं। ठीक है, कि उसकी ये रैंक है, ये उससे इतना बेटर है, लीस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर चेक करते हैं रैंकिंग मेथड के अंदर। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय विच द मैन एंड हिज परफॉर्मेंस आर कंसाइडर्ड एज एंटिटी बाय द रेटर। द होल मैन इज कंपेयर्ड विद द होल मैन, दैट इज द रैंकिंग ऑफ अ मैन इन अ वर्क ग्रुप इज डन अगेंस्ट दैट ऑफ अनदर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि किसी भी एक पर्सन की किसी ग्रुप के अंदर उसके दूसरे जो पर्सन है उनके साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर क्या हो, अगर देखो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर करना किसी सिंगल इंडिविजुअल की विद ह्यूमन बीइंग हैविंग वेरिंग बिहेवियर ट्रेट्स। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल के आप बहुत सारे पर्सन के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, एक एक की, पहले जैसे एग्जांपल मानो ए है उसकी बी के साथ, ठीक है, फिर सी के साथ, फिर डी, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि हर इंसान की ट्रेट्स अलग अलग होती है, ट्रेट्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स सभी पर्सन की अलग अलग होती हैं, तो इस तरीके से हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ कंपैरिजन करना जिनकी बहुत सारी बिहेवियर ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब ओनली मैन रिलेशन टू अदर इन ए ग्रुप। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि एक जो पर्सन है उसके कैसे रिलेशंस है दूसरों के रिलेशंस में। ठीक है, वो उसको डिस्क्राइब करता है ओनली। ठीक है, कि दूसरों के उसके खुद का नहीं देखता कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, इसमें हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, तो ये बस उसको ही डिस्क्राइब करता है, रिलेशन टू अदर जो मेंबर है ग्रुप के अंदर उसको डिस्क्राइब करता है, ना कि उसकी खुद की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है वो। ठीक है, तो बट डजंट इंडिकेट हाउ मच बेटर और वर्स ही इज देन अदर। लेकिन ये नहीं वो इंडिकेट करता कि कितना वो पर्सन बेटर है या जो बेटर है, मतलब क्या कि इसकी एक और लिमिटेशन क्या है कि वो ओनली जो रिलेशन है ना वो दूसरे पर्सन के साथ में उसका कंपेयर करता है। मान लो कोई इंसान ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन बहुत अच्छे से वो बहुत इजीली काम को कर सकता है, लेकिन दूसरा भी उस काम को कर पा रहा है, थोड़ा टाइम लेके कर पा रहा है, तो वो क्या कर देगा, वो उसको नेगेटिवली डिस्क्राइब करेगा कि वो पर्सन उससे ज़्यादा जल्दी काम कर पा रहा है। ठीक है, जबकि काम दूसरा पर्सन भी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर यही लिमिटेशन है कि सब पर्सन की जो करेक्टरिस्टिक है वो जैसी नहीं हो सकती, और हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर दूसरे से के बिहेवियर से कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको रेटिंग
रेटिंग देते हैं कि उसका वो कितना अच्छा है नहीं है, ठीक है, दूसरे से कंपेयर करके, ना कि उसकी खुद की क्वालिटीज़ को चेक करके. तो इट डिस्क्राइब ओनली मैन रिलेशन टू अदर्स इन ग्रुप बाय इट डजेंट इंडिकेट हाउ मच बेटर और वर्स ही इज़ देन अदर्स, ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट वन लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस आर रेटेड. अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा अगर हमें बहुत सारे पर्सनस हैं उनको देखना हो कि कौन बेटर है कौन. तो हम कितने, मतलब एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे, उसके अंदर 100, 200, 300 इतने ज़्यादा पर्सनस हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस को हमें रेटेड करना होता है. तो ये था बेसिकली स्टेट रैंकिंग मैथड, ट्रेडिशनल मैथड जिसको हम बोलते हैं. तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश की है. और अब बढ़ते हम आगे, हमारे नेक्स्ट मेथड है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक मेथड. अब जो ये पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक मेथड है ये भी कुछ कुछ किसकी तरह ही है, स्टेट रैंकिंग मेथड की तरह ही है, ठीक है. इसमें भी हम क्या करते हैं, ईच एम्प्लॉयज इज़ कंपेयर्ड एवरी ट्रेट विद ऑल दी अदर पर्सन इन पेयर एट अ टाइम, ठीक है. तो जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, उसके साथ मतलब इसके अंदर क्या है कि हर इम्प्लॉय की हर करेक्टरिस्टिक, ठीक है, एवरी ट्रेट्स विद ऑल अदर पर्सन, दूसरे लोगों के साथ क्या की जाती है, कंपेयर की जाती है, ठीक है. मतलब जैसे एक ग्रुप है उसके अंदर 5 पर्सन है, ए बी सी एंड डी ई, ठीक है. तो पहले ए की बी के साथ की जाएगी, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर ई के साथ, तो इस तरीके से की जाती है. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कंपेरिजन, इसमें भी हम कंपेरिजन ही करते हैं, ठीक है. तो एवरी ट्रेट विद ऑल अदर पर्सन इन पेयर वन एट ए टाइम, पेयर में कंपेयर की जाती है, ठीक है, कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है, कौन लिस्ट इफेक्टिव है, किसके रिलेशन अच्छे हैं अपने सुपरवाइजर के साथ, किसके नहीं है, ठीक है, कौन इफेक्टिवली काम को करता है, कौन लेजी है, कौन नहीं है. तो इस तरीके से पेयर में हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सभी पर्सन के साथ, जितने भी पर्सन है ग्रुप के अंदर, ठीक है, उनके साथ हम एक एक करके क्या करते हैं, कंपैरिजन. जैसे फॉर एग्जांपल है, इफ देयर आर 5 पर्सन टू बी कंपेयर, 5 लोगों को हमें कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, ए की परफॉर्मेंस को हम बी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और फिर डिसीजन पे आएंगे कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा कम इफेक्टिव है, ठीक है, हु हैज़ बेटर परफॉर्मेंस एंड हु हैज़ वर्स्ट परफॉर्मेंस, ठीक है. तो इसके अंदर यही चेक करते हैं. और फिर हम बी को किससे करेंगे, सी से करेंगे, फिर सी को डी से करेंगे, फिर डी को ई से करेंगे. तो इस तरीके से हम एक दूसरे से उनको कंपैरिजन करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, उसके बेस पे फिर हम उनको क्रेडिट रेटिंग देंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है या किसकी कुछ कम है, ठीक है. तो ये कुछ कुछ उसी की तरह ही होता है, स्टेट रैंकिंग मेथड की तरह. तो इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं सबके साथ, लेकिन पेयर में, जैसे ए को बी से, बी को सी से, फिर सी को ए से. तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से. तो ईच एम्प्लॉयज कंपेयर्ड एवरी ट्रेट विद ऑल अदर पर्सन इन पेयर वन एट ए टाइम, ठीक है. तो ये था हमारा पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक. अब इसकी भी क्या कॉम्प्लिकेशन है कि जब ग्रुप ऑफ पर्सन लार्ज हो, इन दैट केस दे नंबर ऑफ जजमेंट बिकम एक्सेसिवली लार्ज बन जाएगी, ठीक है. अगर 5 से ज़्यादा पर्सन है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा ये, ठीक है. तो ये इसकी लिमिटेशन है कि हम इतने सारे जो पर्सन है, उतने सारों के अगर हम करने लगे कंपैरिजन एक दूसरे के साथ, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी जजमेंट आएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है. तो ये है पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक, मतलब पेयर में हम कंपैरिजन करते हैं दो दो लोगों की, लेकिन पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है. जैसे ए की मैंने आपको बता दिया, बी के साथ, फिर बी की सी के साथ, ठीक है, ऐसे एक एक करके. नेक्स्ट है ग्रेडिंग. अब ग्रेडिंग क्या है, देखो ग्रेड से ही पता चल रहा है, जैसे कि हम ग्रेड देते हैं किसी को, ठीक है, जैसे हमें मिलती है ना ए बी सी, हमारे मार्क्स के हिसाब से एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो हमें ग्रेड मिलती है ए बी सी, जिसके 75% से ज़्यादा है उसको ए, जिसके उससे 60 से 75 तक है बी, इस तरह की टेक्निक होती है ना. तो वही वाली टेक्निक हम कंपनीज में भी यूज़ करते हैं ग्रेडिंग की, ठीक है. अंडर दिस मेथड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज अगेंस्ट सर्टेन ग्रेड्स, ठीक है, कुछ ग्रेड्स बना देते हैं हम, उनके उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है. जैसे मैंने आपको ए बी सी डी ई ग्रेड बताया ना, हमारी भी तो परफॉर्मेंस उनसे डिस्क्राइब होती है कि हमारे कितने मार्क्स हैं, कितने हम अच्छे हैं पढ़ाई में, नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से उस टेक्निक को यूज़ करके हम बताते हैं. तो इसी तरीके से कंपनीज़ के अंदर भी, अब कंपनीज़ के अंदर कुछ ग्रेड्स बना दी जाती है, फिर उससे उन एम्प्लॉयज़ की जो भी परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है कि कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है या नहीं है. तो ग्रेड्स कैसी हैं, जैसे पुअर बना दिया, ठीक है, पुअर कैटेगरी होगी, वेरी गुड कैटेगरी होगी, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री होगी या अनसेटिस्फैक्ट्री होगी, ये कुछ ग्रेड्स हैं, ठीक है. अब एक बात बताऊँ, पुअर ग्रेड होगी, तो पुअर के लिए हम कुछ क्राइटेरिया बना देंगे. पुअर कैसे, ग्रेडिंग के अंदर आपको ना और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ. अब देखो, जैसे पुअर कैटेगरी है, तो हमने जो पुअर कैटेगरी है उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया बना दिए कि इनके बेसिस पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि कोई पर्सन पुअर कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा. ऐसे ही तो नहीं हम किसी को पुअर कह देंगे, हम कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे फिर उनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. जैसे हमने पुअर कैटेगरी के अंदर रख दिया कोई पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो अपने कस्टमर के कंप्लेंट्स को अच्छे से हैंडल नहीं करता,
ठीक है. सेकेंडली हमने बना दिया कि कोई पर्सन है वो बहुत ही लेजी है अपने काम को लेके, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता है, कोई भी आइडिया नहीं देता है, कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर. तो अगर ये सभी किसी पर्सन के अंदर हमें मिलता है कि किसी पर्सन के अंदर ये वीकनेसेस हैं, तो हम उसको किस में डालेंगे, पुअर कैटेगरी के अंदर डालेंगे. ठीक है. फिर आती है गुड कैटेगरी. गुड के अंदर हम डालेंगे कि चलो पर्सन काम को थोड़ा डिले करके करता है, पर वो अच्छा करता है काम को, उसकी क्वालिटी अच्छी है. ठीक है. टाइमली ना करे वो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है. नेक्स्ट है कि उसके मतलब रिलेशनशिप अच्छे हैं अपने उसके साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, तो हम उसको गुड कैटेगरी के अंदर डाल देंगे. फिर आएगा वेरी गुड. तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बना लिए, जैसे कैसे कि वेरी गुड के अंदर हम किसको रखेंगे, एक बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव पर्सन है. ठीक है. बहुत ही स्मार्टली अपने काम को करता है, टाइमली करता है, उसके रिलेशनशिप अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे हैं. ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स आप इनको ऐड कर सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन और अच्छा दिखाना है तो आप इनको ऐड कर देना, इनके पॉइंट डाल के. ठीक है. तो हम उसको क्या कर देंगे, वेरी गुड के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे. नेक्स्ट है फिर एक्सीलेंट. एक्सीलेंट अब क्या होगा, जो बहुत ही ओवर मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है अपने काम को, मतलब इतने अच्छे से, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, टाइमली वो काम करता है, न्यू आइडिया लेके आता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और नई नई चीज़ों को सीखने की उसके अंदर इच्छा है. तो ये हमने कुछ पॉइंट्स रख दिए एक्सीलेंट के लिए. अब जिस पर्सन के अंदर ये सब क्वालिटीज़ होंगी, हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सीलेंट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग. अब आउटस्टैंडिंग है मतलब वो सबसे ही अच्छा वो परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, बहुत ही पंचुअल है वो, बहुत ही बहुत ही सिंसियर है वो, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है. तो ये सब चीज़ें हम आउटस्टैंडिंग के अंदर डाल देंगे. जिसके अंदर भी ये सब क्वालिटीज़ होगी तो उसको हम आउटस्टैंडिंग के अंदर रख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री. सेटिस्फैक्ट्री होता है कि ठीक ठाक है अपने काम को लेके, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, मतलब ठीक है कोई पर्सन. नेक्स्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री. अनसेटिस्फैक्ट्री आप जान ही सकते हो, जो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है अपने काम को लेके, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है अपने काम को लेके. ठीक है. बहुत ज़्यादा लेजी है, अपने काम को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता, टाइमली नहीं आता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम उसको अनसेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी के अंदर डाल देंगे. तो ये था ग्रेडिंग मेथड. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर. एक बार फिर देख लो. अंडर दिस मेथड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज अगेंस्ट सर्टेन ग्रेड्स सच एज पुअर वेरी गुड एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम ग्राफिक स्केल्स. अब ये जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स बना देते हैं. ठीक है. कि इन फैक्टर्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे. ग्राफिक है ना, तो ग्राफ्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना देंगे, उनके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन की कैसी परफॉर्मेंस है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉयर इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफिक फैक्टर्स. ठीक है. कुछ फैक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट हम चेक करते हैं कि उस पर्सन की कैसी परफॉर्मेंस है. दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज इन मेरिट रेटिंग. जब मेरिट देनी हो ना किसी को कि कितने ग्रेड देने हैं, 2 देने हैं, 3 देने हैं, 1 देने हैं, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ग्राफिक स्केल मेथड को. द फैक्टर टू बी सिलेक्टेड आर ऑफ 2 types. तो फैक्टर्स जो हम सिलेक्ट करते हैं कि जिनके बेसिस पे हम ग्रेड देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे या ABC कुछ भी ग्रेड देंगे, तो उसको हम 2 type के वो होते हैं, उनके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं. ठीक है. ग्रेडिंग मेथड के अंदर पहला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है. ये 2 तरीके के फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेज को. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, इनिशिएटिव. ठीक है. कि कितने अच्छे अच्छे उसने इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने काम को करने के लिए, सुधारने के लिए अपनी वीकनेसेस हैं उनसे ओवरकम होने के लिए कितने से उसने इनिशिएटिव लिए हैं. ठीक है. या कितने वो न्यू आइडियाज़ लेता है, कितने न्यू इनिशिएटिव लेता है, तो ये देखते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलिटी टू लर्न. मतलब उसकी जो लर्न करने की क्षमता कितनी है या कितनी उसके अंदर इच्छा है लर्न करने की. ठीक है. तो ये हम इसके अंदर चेक करते हैं कि उसकी एबिलिटी कितनी है लर्न करने की, कितनी जल्दी वो समझ जाता है चीज़ों को या कितना टाइम लेता है वो. नेक्स्ट डिपेंडेबिलिटी, मतलब वो दूसरे पर्सन पे कितना डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है, फिर हम ये चेक करते हैं. तो उन सब के हिसाब से फिर हम उनको ग्रेड प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो अपने काम को खुद करने में ज़्यादा सक्षम है, तो हम उसको ज़्यादा ग्रेड प्रोवाइड करवाएंगे. जो थोड़ा कम है उसको थोड़ी कम देंगे. जो बिल्कुल दूसरे पे ही डिपेंडेंट रहता है अपने काम को लेके, तो उसको और कम देंगे. तो इस तरीके से हम डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू लर्न, इन चीज़ों को हम चेक करते हैं किसके अंदर, करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर. और एक है एटीट्यूड, ये मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पे, यहाँ लिख गया मैंने. एक है एटीट्यूड. ठीक है. तो एटीट्यूड
के अंदर भी हम चेक करते हैं कि उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है अपने कोवर्कर के साथ, कोवर्कर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ उसका किस तरीके का बिहेवियर है, ठीक है, अपने से जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, तो उसके बेस पे भी हम उसे क्या देते हैं, ग्रेड प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान कितना है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर, न्यू आइडियाज़ लाने के अंदर. तो इसके अंदर हम देखते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कि कितनी क्वांटिटी में वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी काम को लेके और कितनी क्वालिटी. ये नहीं है कि उसने एक, मतलब एग्जाम्पल है एक मशीन ख़राब हो गई, उसने उस पर 10-12 घंटे लगा दिए, ठीक है, जबकि काम था 2-3 घंटे का. तो हम क्वांटिटी नहीं देखेंगे वो कितने घंटे काम कर रहा है, उसके साथ हम क्वालिटी भी देखेंगे, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी कितनी है, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है. तो ये भी हम इसके अंदर चेक करते हैं. तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी हम चेक करते हैं. तो ये था ग्राफिक स्केल. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफिक फैक्टर्स. और ये फैक्टर्स हम दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयज, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने देखा इनिशिएटिव, एबिलिटी टू लर्न, डिपेंडेबिलिटी. और कंट्रीब्यूशन के अंदर हमने देखा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, एटीट्यूड एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है हमारा चेकलिस्ट मेथड. चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, चेकलिस्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा. लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, लिस्ट कैसे बना देते हैं, कुछ हम ले लेते हैं क्रिटेरिया, ठीक है, उनकी हम फिर लिस्ट बना देते हैं और फिर हम चेक करते हैं जो उस परफॉर्मेंस रियल में है उस एम्प्लॉयज़ की, ठीक है. जैसे कि हम पहले नहीं करते कि एक एस्टिमेटेड बजट होता है, एक एक्चुअल बजट होता है, ठीक है, तो फिर हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी है या नहीं है. उसी तरीके से हम कुछ लिस्ट बना देते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना देते हैं, फिर हम उनको चेक करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, नहीं है, उससे मिलाते हैं कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना वो पहुँच पा रहा है, ठीक है, वहाँ तक. तो चेकलिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड द रेटर इज प्रेजेंटेड विद ए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिव, ठीक है. इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है. तो जिसके अंदर, जिससे हम उस पर्सन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं फिर, ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हम लिख लेते हैं और फिर हम कंपेरिजन करते हैं कि उस पर्सन के अंदर, उस एम्प्लॉयज के अंदर क्या ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, और फिर उसके बेस पे हम उसको क्या देते हैं, उसको ग्रेड देते हैं, उसको कुछ भी रैंक देते हैं, ठीक है. तो दी फॉलोइंग आर दी इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट होती है. जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लो आप, हम ऐसे बनाते हैं. जैसे हम लिख लेंगे कोऑपरेट विद कोवर्कर, कितना कोऑपरेट करता है वो, उसके बाद हम कुछ नंबर्स दे देंगे 1, 2, 3, 4, कि कम करता है तो 1 देंगे, नहीं तो 2 देंगे, बहुत अच्छी उसकी मतलब बॉन्डिंग है अपने कोवर्कर के साथ तो हम उसको 5 पॉइंट्स देंगे, ठीक है. तो कोऑपरेट विद कोवर्कर्स. नेक्स्ट है कीप वर्क स्टेशन नीट एंड क्लीन. फिर हमने दूसरा पॉइंट बना लिया कि जो वर्क स्टेशन है कितना साफ सुथरा वो उसको रखता है, ठीक है, कितना नहीं रखता है. नेक्स्ट हो गया आपका मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड एक्सेट्रा. तो कितने वो डिटेल रिकॉर्ड अपने बना के रखता है या नहीं रखता, तो ये चेकलिस्ट पॉइंट है. हम फिर इसको क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और इस पर पॉइंट्स देते रहेंगे कि कितना उसकी जो परफॉर्मेंस है इन पॉइंट्स से, कितने हम उसको मतलब देंगे, कितने हम उसको ग्रेड देंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स से कि कैसी उसकी कोऑपरेशन है, कैसा वो अपने वर्क स्टेशन को रखता है, कि कितने वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है. तो इन, ये होगा चेकलिस्ट मेथड. ये बिल्कुल इजी था, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो देख लो एक बार, अंडर दिस मेथड द रेटर इज प्रेजेंटेड विद ए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिव्स और डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर स्टेटमेंट. द फॉलोइंग आर द इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव विद कोवर्कर्स, कीप वर्क स्टेशन नीट एंड क्लीन, मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है. इस मेथड के अंदर हम क्या देखते हैं, इस मेथड के अंदर, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं ना, ये इस तरीके का मेथड है फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड. इसके अंदर हम कुछ पेयर फेरेजेस बना देते हैं, कि सेट बना देते हैं, ठीक है, जो कुछ फेरेजेस लिख देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उनके सेट्स बना देते हैं और फिर हम उनको क्या करते हैं, हम रेटर्स को दे देते हैं. उसमें कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टू ऑफ विच में भी पॉजिटिव, टू ऑफ विच में भी नेगेटिव, ठीक है. और फिर हम क्या करते हैं, रेटर को दे देते हैं और फिर हम उनको कहते हैं कि आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है. वो हम खुद से ही लिखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं रेटर को कि आप उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है. फिर वो उसको एनालाइज करते हैं जो भी रेटर्स है अच्छे से, ठीक है. फिर वो देखते हैं कि नेगेटिव ज़्यादा मिल रहा है या पॉजिटिव ज़्यादा है. तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपनी चेकलिस्ट करके फिर वो मैनेजर के पास भेज देते हैं, जो भी मैनेजर होगा, जो भी हेड होगा डिपार्टमेंट का. फिर वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, फिर वो चेक करता है कि फिर वो अगेन चेक करता है, अच्छे से एनालाइज करता है
उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, जो भी अगर पॉजिटिव ज़्यादा हैं, ठीक है, नेगेटिव से, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे उसको, उसको मतलब ज़्यादा रेटिंग देंगे, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो ज़्यादा उसको नेगेटिवली रेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है फोर्थ चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड। अब इसके अंदर क्या किया हमने, अब देखो कुछ होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि जो भी हमारे रेटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने किसी एम्प्लॉय है, किसी एम्प्लॉयज़ को मान लो उसका वर्क क्या है, ज़्यादा टेक्निकली काम करना है, ज़्यादा वो टेक्निकली काम करता है, लेकिन उन्होंने उनका और उसको जो मतलब कोई मशीन ख़राब हो गई है उसके ऊपर से काम करना है टेक्निकली, ठीक है, तो वो उसको मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, लेकिन जो रेटर्स हैं उन्होंने क्या किया उसको कम पॉइंट्स दिए हैं, किस चीज़ के लिए, कि उसकी जो मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा उस इसलिए उसको ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली उसका काम क्योंकि टेक्निकली ज़्यादा है तो, लेकिन हम उसको मार्क्स किस लिए दे रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए उसको मार्क्स दे रहे हैं, समझ रहे हो डिफरेंस, कि उसका जो काम है वो टेक्निकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, टेक्निकली वो बहुत अच्छा काम करता है अपना, कम्युनिकेशन उसकी इतनी ज़रूरी नहीं है, स्किल्स अच्छी होनी, लेकिन जो रेटर्स है उन्होंने उनको नेगेटिव रेटिंग दे दी उसके ऊपर, तो इस केस में हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव ही रेटिंग देंगे क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसके काम पर कोई फ़र्क डाल रही है ज़्यादा, ठीक है, तो इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव वो देंगे रेटिंग। तो ये था फोर्थ चॉइस डिस्क्रिप्शन मैथड। अंडर दिस मैथड मेकर्स यूज़ ऑफ सर्वल सेट ऑफ पेयर फेरेजिस, टू ऑफ विच मे बी इन पॉजिटिव, टू ऑफ विच मे बी नेगेटिव, एंड द रेटर इज आस्क्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फेरेजेस इज मोस्ट एंड लीस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ पर्टिकुलर वर्कर, ठीक है। तो ये था फोर्थ चॉइस डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट आपको नाम से समझ में आ गया होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, कभी एकदम से ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ जाती है जिनके बारे में हम नहीं सोचते। तो इसके अंदर क्या करते हैं मैनेजर्स, ये चेक करते हैं कि उस इंसिडेंट के टाइम किसी पर्टिकुलर वर्कर का बिहेवियर कैसा था, ठीक है, वो ज़्यादा होपलेस था, नर्वस था, या उसने कितने पोलाइटली, कितने अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो उसके बेस पे हम उनकी परफॉर्मेंस को फिर एनालाइज करते हैं। तो क्या है, अंडर दिस मेथड इम्प्लॉयज़ आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग एन सिग्निफिकेंट और एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो एक्सेप्शनल, ठीक है, जो जिसके बारे में हमने सोचा ना हो और वो एकदम से आ जाए, तो उस टाइम हमारे रिएक्शंस कैसे थे, तो इसके बेस पे भी हमारी परफॉर्मेंस पता चलती है ना कि कितना इफेक्टिव पर्सन है या लिस्ट इफेक्टिव है, कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखो कि एक कंप्लेंट आती है, ठीक है, कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, मार्केटिंग मैनेजर है कोई उसके पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब उसने उन कंप्लेंट को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया उसने, और उसने देखा कि मैं कैसे कैसे अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार सकूं, जो भी वीकनेस है कैसे ओवरकम कर सकूं उनसे, तो उसने ये देखा, तो उसको अच्छी रेटिंग देंगे ना हम, क्योंकि वो बहुत ही इतनी मतलब स्ट्रेस के अंदर भी वो बहुत ही पोलाइट रहा है, क्योंकि काम ज़्यादा था वो अच्छे से नहीं हैंडल कर पाया, तो वो अपने आप की जो वीकनेस है उसको सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट है कोई पर्सन है, वो उसने इतनी सारी कंप्लेंट्स देखी तो उसने मतलब वो बहुत ही पजल हो गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया उसने प्रोसेस को, उसको समझ नहीं आया, बहुत ही मतलब वो होपलेस हो गया। तो इस तरीके से फिर हम चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय या कोई पर्टिकुलर पर्सन कैसा था कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट के टाइम, तो यही हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होता है। मैं जो एग्जांपल बता रही हूँ आपको, आप उन्हें लिख भी सकते हैं, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन और भी अच्छा लगेगा। तो आज हमने ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीट कर लिया है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कल हम अपने मॉडर्न मेथड्स को पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको लिख सकते हैं, और कोई मिस्टेक हो तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, थैंक यू।